हेलो फ्रेंड्स, किवें हो सारे? होप सारे वधिया होंगे। सो अज बारिश का मौसम है जी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। सो इदों के मौसम के कुछ चटपटा स्पाइसी खाने का बहुत ही दिल करता होंगे गा। सो इदा तो हो नहीं सकता कि बारिश हो रही हो साढ़े पंजाबियों के घर कुछ चटपटा या कुछ स्पाइसी ना बने। सो चलो चलते हैं, बनाते हैं जी इदा का कुछ। असी बनावे जी वैजीटेबल कटलट्स, जेडे हेल्दी भी ने और टेस्टी भी ने। सो इहदे लई सबसे पहला एक कोई भी बर्तन लै लिया और उस दे विच मैं ऐड कर दूँगी कद्दूकस करके रखी हुई फुल गोभी, जाने कि कॉलीफ्लावर। इसनों मैं कद्दूकस कर लिया गा क्योंकि नहीं तो यह मोटी मूँह दे विच आऊगी और टेस्टी नहीं लगेगी। और इस दे नाल ही थोड़ी जी शिमला मिर्च नूं भी मैं कद्दूकस कर लिया और थोड़ा जिहा टमाटर। इस सारिया चीज़ों का मैं इदा ही कद्दूकस करके लत्तियां नेगियां, थोड़ा जिहा प्याज ताकि यह मूँह दे विच ना आण, उन्हां दा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा वधिया लगे। और दूसरी साइड मैं बॉइल कर लेने पोटैटोज़, उन्होंने भी असी कद्दूकस कर लिया गा और एक सॉफ्ट जहा देख सकते हो तैयार हो गया इन्हों का मटीरियल। और ये सारा कुछ असी ऐड कर देवे। बाद मैं ये पा दिता जी थोड़ा जहा गर्म मसाला और इस दे नाल ही थोड़ा जहा आमचूर पाउडर। बहुत ही टेस्टी, बहुत जल्दी और बहुत ही ईजली ये बन जाती हैगी। सो बारिश के मौसम के जरूर ट्राई करो। और इस ही मैं ऐड कर दी थोड़ी जी हल्दी पाउडर, थोड़ा जहा जीरा और इस ही थोड़ा जहा असी ये पा देवे साडा चाट मसाला और थोड़ा जहाँ असी ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। तुम ग्रीन वाला धनिया भी यूज़ कर सकते हो पर मेरे को हले अवेलेबल नहीं सगा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पा सकते हो। और ग्रीन चिली का मैं इतने पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, तुम चाहो तो रैड चिली भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा जहा पनीर असी ये कद्दूकस करके पा देवे। बहुत सारिया वैजिज़ ने, सो हैल्दी तो यह ऑप्शनल कोई सोचने की गल ही नहीं हैगी। सो हैल्दी भी है, टेस्टी भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बच्चे की बड़े भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो तुसी ट्राई जरूर करो इस रेसिपी नूं और मैनू जरूर दस्यो ये किवें दी लगी। और इस तो बाद बाइंडिंग दे लई मैं इहदे विच थोड़ा जहा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हाँ ताकि इहदी जिहड़ी बाइंडिंग है वह सही हो जाए। तुसी चाहो तो इहदी जगह ते बेसन भी यूज़ कर सकते हो पर मैं इत्थे कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हाँ। जे तुहाडे कोल कॉर्नफ्लोर नहीं है तो तुसी बेसन भी इहदी जगह ते पा सकते हो। इस तरीके असी इहदा एक डो तैयार कर लिया गा और इहदे विच असी छोटे छोटे पीस लैंदे रहांगे और साडे कटलेट्स नूं असी शेप देंदे रहांगे। तुसी जिद्दां दी भी चाहो, राउंड, गोल, स्क्वायर, जिद्दां दी भी तुहानूं पसंद है तुसी उदां दी शेप दे सकते हो इहनूं। मैं इस तरीके दी दे रही हाँ, टोटली ऑप्शनल है जिद्दां तुसी पसंद करदे हो। और इस तो बाद थोड़ा जहा असी ये उपर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लवेंगे इस तरीके दे नाल। बाद चो एक्सट्रा असी झाड़ देवे हाथों के नाल। इस तरीके सारे असी बना लें। सो तुसी ट्राई जरूर करो और दस्यो। इस तरीके हाथ के उपर भी लगा सकते हो, जो थोड़ा लगता कि कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो रहा है तो तुसी पहला अपने हाथ के नाल उसनू टच कर सकते हो और बाद दे विच इदां पेस्ट लैके तुसी उन्हों शेप दे सकते होंगे। इस दे नाल कॉर्नफ्लोर थोड़ा जहा घट यूज़ होगा, तुसी जिद्दा चाहो, टोटली ऑप्शनल। और इस तरीके असी इहनूं शेप दे देवांगे। और इत्थे मेरे सारे कटलेट्स बन के रेडी ने। हुण चलो इसनूं फ्राई कर लैंदे हां। और इसनूं फ्राई करन दे लई मैं इत्थे यूज़ कर रही हाँ सरों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तुसी चाहो तो कोई भी ऑयल इत्थे यूज़ कर सकते होंगे। और इस तरीके वन बाय वन असी सारे साडे कटलेट्स इहदे विच डीप फ्राई कर लवांगे। और चार तो पाँच मिनट बाद तुसी देख सकते हो साड़े कटलेट्स बिल्कुल रेडी ने। चलो इन्हों सर्व कर लेंदे हैं। सो मैं इन्हों कटलेट सर्व कर रही हूँ मिठी वाली चटनी और टमैटो कैचअप के नाल। ये चटनी मैं घर बनाई है, तुसी चाहो तो यदि रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगी। और तुसी इन्हों ट्राई जरूर करो और मैं कमेंट करके जरूर दस्यो थोनों किदा के लगे। और चैनल में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और जे तुसी हल तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब कर लियो एंड देखते रहो वधिया वधिया रेसिपीज़। एंड डोंट फरगैट टू हैल्प थ्री परसन, तीन लोगों की हैल्प अपनी लाइफ के जरूर करो। सो थैंक यू सो मच जी।